तो यहाँ पर अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एडवांस प्रॉब्लम ये दे रखी है, इफ टेंजेंट एट एक्स वन कोमा वाई वन टू दिस कर्व मीट द कर्व अगेन एट एक्स टू कोमा वाई टू, तो हमें इसकी वैल्यू -1 है, ये प्रूफ करना है अपन को। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी एक्स वन कोमा वाई वन पर अपन टेंजेंट खींच रहे तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स वन कोमा वाई वन पॉइंट पे निकालूं तो ये माइनस ऑफ एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई वन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट अगेन कर्व को इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो जो इसकी स्लोप है वो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसकी स्लोप आई है अपने पास यहाँ पर इसके इक्वल, और ये जो दोनों पॉइंट है वो कर्व पे भी लाई कर रहे हैं, तो ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वन क्यूब प्लस वाई वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब प्लस वाई टू क्यूब। तो यहां से अगर देखें तो वाई टू क्यूब माइनस वाई वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स वन क्यूब माइनस ऑफ एक्स टू क्यूब। तो यहाँ से अपन इसको ओपन करें तो यहाँ से लिख सकता हूँ वाई टू माइनस वाई वन वाई टू स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको कैसे करें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू एंड वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू। तो यहाँ से इसको मैंने शुरू में बताया था, इसको यहाँ पर अपन इस तरीके से लिख पाएंगे क्योंकि अपने पास आया था वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरीके से लिख पा रहे थे माइनस ऑफ एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई वन स्क्वायर। तो जो सेम चीज है उसको मैंने इधर लिखा तो यहाँ पे माइनस साइन हो रहेगा, आगे इस तरीके से लिख पाएंगे, और इधर अपने पास ये आया है। तो यहां तक अपन ने इसको कर लिया, अब तक दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और इधर आएगा तो अपने पास ये चीज आ रही है, तो यहां पे देखे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पे वन है, तो यहां पर एक तो अपने पास ये वाली टर्म बची एक्स टू स्क्वायर बाई वन स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास क्या बचा है यहाँ पर एक्स वन वाई वन, इधर से देखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे एक्स वन वाई टू माइनस ऑफ एक्स टू वाई वन, ये चीज बच रही है यहाँ पर। तो अगर अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इधर से अपन क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखता है, तो इधर क्या बचेगा एक्स टू वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और इधर एक्स वन वाई वन बचेगा। तो यहाँ पर विद द माइनस साइन हो रहा है यहाँ पर अगर तुम कैंसिल करोगे उसके बाद, और यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो जो एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स वन है इसका अगर डिवाइडेड करो और वाई टू डिवाइडेड बाय वाई वन है इसकी वैल्यू -1 आ रही है, जो अपन को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।